ओके गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करो इसको। 1 kg ऑफ फ्लूइड इनिशियलेट 500 kPa विद 0.1 volume undergo a reversible expansion to a disk and pressure this. So according to linear calculate the work done. So kya hoga answer? Sir, abhi se solve nahin kiya. क्या बोल रहे हो? सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ कितना आ रहा है। कर रहे सर। अच्छा इट्स व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रिलेशनशिप। हेलो किसी का सॉल्व हुआ? हेलो सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। नहीं सॉल्व हुआ। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? प्रेशर एंड वॉल्यूम में दिया हुआ लीनियर लो है। लीनियर लो कहने का मतलब है जैसे y इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं ना, वैसे है, p इक्वल टू a b प्लस b, फिर a b आर कांस्टेंट। So, मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। फिर प्रेशर पुट करोगे पहले 500 केल्विन, 500 द वॉल्यूम कितना है 0.01। अगेन पहला इक्वेशन आएगा, सेकंड देन प्रेशर इज 100 किलो पास्कल देन वॉल्यूम इज दिस दिया हुआ है, तो सेकंड दोनों को सॉल्व करोगे ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। फाइनली पुट करोगे यहां पे पी इक्वल टू निकल आएगा। सो
W work done to 2 find ye kya hoga P dV volume diya hua hai V1 to V2 samajh mein aaya kaise bolo aap yes sir solve karke batao main hint diya hu solve karke batao 5 minute ka time de raha hu main
राजू मिश्रा यस सर सॉल्व कर रहा सर हेलो यस सर तो देखो बीबी प्रेशर एंड वॉल्यूम में प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है लीनियर लॉ है लीनियर लॉ कहने का मतलब है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ओके सो हम लोग लिखते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम में लीनियर है सो पी इक्वल टू ए बी प्लस बी इस तरह से रिलेशन एज्यूम करते हैं लीनियर का कहने मतलब लीनियर रिलेशनशिप है अगर स्क्वायर रहता पी वी तो हम लोग स्क्वायर या क्यूब एज्यूम करते हैं बट ओनली ये लीनियर सो हम लोग पी इक्वल टू ए बी प्लस बी एज्यूम कर सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंडीशन दिया हुआ है एंड प्रेशर इज 500 सो वॉल्यूम इज 0.01 देन प्रेशर इज 100 किलो पास्कल देन वॉल्यूम 0.05 सो अब इसको एक इक्वेशन में पुट करते हैं इक्वेशन में व्हेन प्रेशर इज 500 देन वॉल्यूम इज 0.01 एंड प्रेशर इज 100 वॉल्यूम इज 0.05 a अब इसको सॉल्व करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं 500 100 कितना आया 400 सो a का वैल्यू इतना आ गया b का वैल्यू कितना आएगा बताओ सर b का 600 माइनस 600 600 और माइनस 600 सर माइनस 600 अच्छा से सॉल्व करके बताओ बी का सर प्लस 600 बी का वैल्यू आएगा 600 ओनली अच्छा से सॉल्व करो यस सर सो वर्क डन 1 टू 2 वर्क डन 1 टू 2 यानी वी1 वी2 तो 600 आएगा सर पीडीवी नाउ वी1 का वी1 वी1 कितना है 0.01 एंड वी2 कितना है 0.05 प्रेशर कितना प्रेशर लेके कितना आया ए का वैल्यू -10,000 बी प्लस 600 इनटू डीबी इसको इंटीग्रेट करके बताओ वर्क डन कितना आ रहा है
16 किलो जूल सर. ओके हाँ कितना रन सर? टोटल सर 16 आ रहा सर. सर 16 16 तो 16 16 सर 16 जूल. नहीं नहीं गलत सॉल्व किए. कैसे सॉल्व किए सर? 18.5 आएगा. क्या यार तुम अच्छे से इंटीग्रेशन भी नहीं किए. माइनस 10,000 है हमारा 12 इनटू बी प्लस 600 इनटू डीबी. इसको इंटीग्रेट कैसे किए? और दूसरा आंसर बताओ. और दूसरे लड़के सर 18.5 सर 12 आ रहा है. 12 किलो जूल करेक्ट आंसर है. कैसे तुम लोग इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो? कैसे होगा? इतना सिंपल इंटीग्रेशन है. यस सर भूल गया था सर, काटे नहीं थे सर, इसी वजह से 16 आ गया था. अब सर करेक्ट आ गया सर, 12 आया. ट्वेल्व किलो जूल करेक्ट आंसर होगा. ठीक है क्लियर है? यस सर क्लियर है. यस सर. ओके सो आज मेरे को थोड़ा कुछ डिपार्टमेंटल वर्क आ गया है. ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. जो अभी मैं नोट्स पे दिया उसको सॉल्व करोगे नहीं सॉल्व होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके ओके सर. आज कुछ डिपार्टमेंटल वर्क के कारण थोड़ा क्लास डिस्टर्ब करना पड़ रहा है. ओके ओके सर. ठीक है तो अपना अटेंडेंस पुट कर दोगे? ठीक है. गूगल क्लासरूम पर सर 2 क्वेश्चन दिए. हाँ तो एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा ही दिया, दूसरा वाला सॉल्व करने की कोशिश करोगे? ओके अगर नहीं सॉल्व होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको. यस सर. ठीक है आज थोड़ा कुछ काम के कारण क्लास में बीच में स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है अपना अटेंडेंस पुट करोगे गूगल क्लासरूम में? ओके So only 6 स्टूडेंट अपना नेम पुट करोगे?